जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, यहाँ सुबह का टाइम मॉर्निंग का पूजा है जो हम लोग मतलब अग्यार करते हैं ना, थोड़ा सा वो है। यहाँ पे मम्मी हम दोनों लोग कर रहे थे। यहाँ पे ये देखिए दीपक भी जल रहा है। माता रानी का दर्शन वगैरह हो गया। पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं आपको मिल रही हूँ 10:30 या 11 बजे। और सुबह मम्मी का मैंने आलू आलू फ्राई कर दिया था। वो सब मतलब नाश्ता उन लोग का हो चुका था। और मैंने यहाँ पर आलू भी रख दिया है बॉयल होने के लिए, मतलब मेरी हो चुकी है। और जब तक ये 11 बजे ये भी आ जाते हैं, तो 11 बजे ये आ चुके हैं। उनसे मैं बात यही कर रही थी कि आप ना, आप मंदिर में सुबह नहीं गई थी क्योंकि ये जल्दी चले जाते हैं, इस वजह से। तो मैं कह रही थी आज मैं आप लोग को मंदिर ले चलूँगी, तो वही कह रहे थे चलो जल्दी कर लो, तैयार व्यार हो जाओ फिर चलो। तो मतलब तैयार तो मैं से कहूँगी, मतलब सुबह तो मैं नहीं कर पाती, बहुत टाइम बहुत कम मिलता है मेरे पास उसके बाद, क्योंकि सुबह एकदम भागम भाग रहता है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। किसी तरह मैं जल्दी जल्दी पूजा करके नीचे आ जाती हूँ क्योंकि मम्मी को जाना है। तो चलिए बस रेडी वेडी हो चुकी हूँ मैं और आप लोग चलिए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हम लोग आए अभी, दुखरनाथ मंदिर नहीं गए हैं। और यहाँ पर जो साइकिल लेके जा रहे, ये काली भवानी मंदिर है गोंडा में, बहुत फेमस है। यहाँ पे हर नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पे बस प्रसाद वगैरह ले लिए, मतलब ले रहे हैं ये। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह हुआ है। तो आगे मैं आप लोग को ले चलूँगा। तो उसके पहले आप प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए कहीं भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे जैसे बना रहे हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो मेरा भी मेहनत जो है ना वो सफल हो जाएगी। तो इसलिए गाइस आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भला कर देंगे तो भगवान आपका भी भला करेंगे। तो यहाँ पे बस बहुत धूप थी, तो प्रसाद वगैरह इन्होंने मतलब ले लिया। और उसके बाद वीडियो ये बनाना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर मैंने कहा आप वीडियो शूट करो, वैसे जल्दी शूट शूट करते नहीं, इनको बहुत ख़राब लगता है ये सब, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता, मुझे अच्छा लगता है। मैं सभी मंदिर एंटर करूँगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पर नाली पता नहीं ऐसे, यहाँ पे आगे पूरा पानी भरा हुआ था बचा बचा के। बस चल रहा है मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर देखा बैठे बैठा हुआ है और देख रहे हैं कितनी भीड़ है। और मैं जल्दी जल्दी में ना मास्क भी अपना लेने मतलब भूल गई लेने के लिए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अभी आप अंदर जाएंगे ना तो एक एक करके किसी तरह प्रसाद पकड़ रहे हैं, और वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देखिए आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले पीपल का पेड़ है, हर जगह माता रानी का दर्शन होता ही होता है। और बस हम आ गए यहाँ पे, ये देखिए प्रसाद चढ़ाने। तो किसी तरह मैं घुस रही हूँ अंदर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और एक लेडीज़ अभी मैं दर्शन आप लोग को, माता जी यहाँ पे हैं जो बहुत छोटी सी मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई भी मन्नत आप मांगो तो ज़रूर भगवान पूरा करते हैं। ऐसे सारी मंदिर ऐसे होती हैं कि मतलब हर चीज़ें अगर दिल से मानो ना तो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब कन्या उन्हें भी खिलाया जा रहा है आज ही के दिन, क्योंकि मैं गई थी अष्टमी के दिन। तो बहुत से जगह होती है ना कि अष्टमी को पूजा वगैरह कर लेते हो, यहाँ पे चुन्नी वगैरह भी मन्नत मांग के पूरा मतलब मानते हैं। तो वैसे मैंने चुन्नी वगैरह नहीं किया था। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं आप लोग को झलक दिखा पाऊँगी क्योंकि भीड़ बहुत थी। माता रानी का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, कि कृपा ऐसे बने रहे आप लोगों पे भी और हमारे ऊपर ही। बस और क्या चाहिए, क्योंकि माता रानी ही सबसे ज़्यादा मेन है। उसके बाद हम लोगों ने दुखरननाथ वगैरह मंदिर जाऊँगी, जल चढ़ाऊँ। तो मैं उसका वीडियो नहीं छोड़ क्योंकि मैं एक बार आपको कई बार दिखा चुकी हूँ ना, तो आप लोग बोर हो जाओगे वही चीज़ें बार बार दिखा रही हैं। तो इस वजह से बस उसके बाद आने के बाद मैं बिल्कुल सीधी किचन में आ गई, क्योंकि इनका टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 बज रहे थे। तो बस यहाँ पे आलू आलू मैंने बॉयल वॉयल करके और छील उल के, तो फिर मैं गई थी कि आने के बाद फटाफट मुझे यही करना रहेगा कि से आलू फ्राई करके इनको मतलब नाश्ता तैयार करके देना रहेगा, क्योंकि भाई इनका टाइम 12 बजे का होता है, 12, 12:30, 1, 2 ऐसे। बस हरी धनिया वगैरह मैंने ले लिया है, कट करके रख लूँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे मेरी जो मिक्सी है बहुत ज़्यादा गंदी है, आप लोग कमेंट करने से पहले ही मैं बता दूँ, क्योंकि इस समय काम चल रहा है ना, तो वो छूने वगैरह और दीवार देख रहे हैं अभी नीचे नहीं। अभी मेरा मतलब काफ़ी दिन हो गया, अभी ऊपर ही रूम सेट हो रहा है, मतलब अभी कलर हो रहा है, पेंट हो रहा है, पुट्टी हो रहा है, बहुत सारे काम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? सफाई बढ़े होंगे। सो गाइस दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं दूध मतलब आ चुका है मेरा, और आलू मैंने फ्राई कर दिया है। और क्योंकि ना 12:30 बजने वाले हैं, तो 1 बजे तक ये भी मतलब खा पी लेंगे। तो आज का जो है मतलब दोपहर टाइम में रायता रहेगा, और सॉरी रायता नहीं, मतलब रायता तो मैं बना के सबको सुबह ही खिला दिया था। दोपहर में दही रहेगा, आलू रहेगा आज के और इनके लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है,
आप लोग को मैं दिखा दूँ। अरे धनिया मैंने भी कट करना है मुझे, तो देखिए तो कितनी गर्मी की चुम्बी लग रही, पसीना पसीना पूरा है। जीरा आलू ज़्यादा किसको पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो जीरा आलू बहुत पसंद है, वैसे मैं गोलू मोलू हूँ और आलू खा खा के और हो जाऊँगी, लेकिन पता नहीं फास्ट वगैरह में आलू बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा जीरा फ्राई आलू हो चुका है, ये देखिए। अभी मैं थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया डालूंगी, हरी धनिया डालूंगी, नमक डालना है और मिर्च मैंने फ्राई करके रख लिया है, तो ये देखिए, क्योंकि हरी मिर्च और आलू के साथ बहुत मज़ा आता है खाने में। आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं खाते होंगे तो खाते होंगे, जबकि कोई बात ही नहीं। तो कल अष्टमी है, सॉरी अष्टमी आज है, तो मेरे घर में आज सारे लोग फास्ट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर लिया। जब वीडियो तो बहुत देर से मतलब स्टार्ट है, और आज मैं माता मंदिर गई थी तो उसका भी वीडियो मैं मतलब डालूंगी आज। और घूम के अभी जस्ट मुझे 15-20 मिनट हुआ है आए हुए, देखे टीका वगैरह भी लगा भी है। तो मैं और ये हस्बैंड जी दोनों जो मतलब दोनों लोग गए थे, ये अभी पढ़ाने के स्कूल से आने के बाद फिर वो गए। जीरा आलू कैसे मतलब जीरा डाल के जो आलू फ्राई होती वो वाला, कहने का मतलब मेरा ये है, नहीं आप लोग कुछ दूसरा समझो जीरा और आलू, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, तो मिलते हैं आप लोग से बनाने के बाद। तो दही आलू और टमाटर की चटनी हरी मिर्च के साथ आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और बहुत यम्मी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है आलू, तो शायद सबको पसंद हो गया। नवरात्र में अधिकतर आलू ही सब खाते हैं, आलू पूड़ी पराठा बहुत सारी रेसिपी बनती है। बस यहाँ पे मैं टीवी भी देख रही थी क्योंकि मेरा सीरियल आ रहा था, वो देख रही थी, और फटाफट यहाँ पर खाना पीना इनको मैंने खिला दिया, वो जा चुके थे मतलब प्लाट पर काम लगा था, वही सब देखने वगैरह। और इन मतलब बिल्कुल भी इनको भी टाइम नहीं मिलता है, एकदम सुबह जाते हैं, फिर जल्दी उठना, फिर क्या ना बच्चों को पढ़ाना वगैरह। खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ जाऊंगी फिर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं डेली वही काम करती हूँ इस टाइम। और यहाँ पे बन रही है चाय, मतलब तीन बज चुके हैं, मम्मी पापा सब लोग आ चुके हैं फैमिली में सारे लोग, क्योंकि मैं 1 बजे बैठती हूँ तो सुबह मतलब शाम को 4-4 बजे ही उठती हूँ, उससे बीच अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो मैं उठी, नहीं तो फिर मैं पढ़ाई में ही, क्योंकि वही टाइम मेरे पास रहता है जो मतलब पढ़ पाऊँ, क्योंकि सुबह शाम इतने सारे काम रहते हैं, आप लोग को पता है एक हाउस वाइफ को कितना सारे काम रहते हैं, ऊपर से पढ़ाई करना, बच्चों को संभालना, पूरी फैमिली को देखना, ये सब। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बन गई है, मिस्त्री सब लोग को मुझे एकदम देना है, और 4 बजे से हम किचन में चाय पानी हो जाता है, फिर मैं आलू वगैरह ये सब या कुछ नवरात में ना 1-2 घंटे पहले ही काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 2-2 काम रहते हैं इस वजह से। कल है मतलब नौमी के दिन ही मत कन्या वगैरह खिलाएंगी, तो कल का वीडियो बहुत अच्छा होगा, तो आप लोग वेट करिएगा वीडियो में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूँगी। और उसके बाद सीधे मैं अपने रूम में आ गई थी, आप देख रहे हैं मैं चादर वगैरह वैसे सब छोड़ के चले गई थी सुबह टाइम में, सुबह से मैं ऊपर ही नहीं आती हूँ क्योंकि नीचे कोई रहता ही नहीं, तो वहीं पढ़ाई लिखाई करना इनका ये सब, क्योंकि ना मिस्त्री लोग जो उसको मतलब जो पेंटर लोग हैं वो उसको मतलब दीवार पूरा खुरसते हैं ना उससे रेगमार से, तो सारी मिट्टी वगैरह सब बरामदे में ही रहती है इस टाइम, पूरा मैसी मैसी पड़े, जब तक ये कलर नहीं हो जाता तब तक यही सब चलेगा। तो बस हमारी लाइफ में यही सब चल रहा है, तो मैं अब तक छोटी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो कहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू चैनल मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बस इनका ये सो गाइस, मैं अब आपको मिल रही हूँ सीधे शाम को, और शाम में चेहरा एकदम डल सा हो जाता है, देखिए एकदम थकान सी रह जाती है। और मुझे ये नथ चेंज करनी है, दूसरा मेरा मन कर रहा है पहनने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, एक नग वाली थी ये नथ, तो मैं इसको निकाल दूँगी, दूसरा पहनूँगी। और जो टाइम हो रहा है 6:30 का बज रहा है, सॉरी 6:10 हो रहे हैं, और नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह करना है, तो मैंने सोचा पहले आप लोग से थोड़ी सी बात कर लूँ और वीडियो का भी एंड कर दूँ। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए कहीं भी आपको थोड़ा सा, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर आप लोग करेंगे तो, और आप लोग कमेंट करते हो लाइक करते हो तो बस मोटिवेट हम लोग होते हैं, और एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि हाँ भाई कहीं इन लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो जो मेहनत हम लोग करते हैं ना, तो और मन करता है ना कि और अच्छा मतलब कुछ करें इन लोग के लिए, इन लोग को और अच्छा लगे, तो ये चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और बहुत जल्द मैं अपना फेस क्लीन वगैरह करूँगी, मतलब एक जैसा ना मैं फेस का बहुत ज़्यादा मेरे डस्ट वगैरह, डस्ट मतलब तो वैसे तो दिखते नहीं लेकिन रहते ज़रूर फेस पे, काफ़ी दिन हो गए मैंने फेस पे स्क्रब वगैरह स्किन केयर बिल्कुल कुछ नहीं किया है, अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, उसका ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसी का चल रहा है। लेकिन मैं मतलब जैसे मेरा 1-2 पेपर मतलब करवा चौथ के पहले ही मैं अपना
थोड़ा फेस मेंटेन करवाऊँगी, मतलब मेंटेन क्या ऐसे ना, थोड़ा फेशियल वगैरह करवाऊँगी। बहुत ज़्यादा एकदम रुके सूखे अजीब सा हो गए हैं, तो बस यही सब बताना था। बहुत जल्दी आप लोग तक मैं शेयर भी करूँगी, तो प्लीज़ गाइज ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा। जय माता दी, बाय।